हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। आज आपको मैं दिखाने चाह रहा हूँ हाई स्पीड 1200 RPM में चलने वाला मशीन, जो कि हाई स्पीड मशीन है और टच स्क्रीन वाला कंप्यूटर है इसमें। तो जितने भी भाई एमुंडरी मशीन चला रहे होंगे, ऑपरेटर होंगे जो एमुंडरी मशीन के, वो सोच रहे होंगे वो तो पहले के टाइम में पुराना मॉडल वाला एमुंडरी मशीन चल रही थी, मल्टी और सीक्वेंस कोडिंग वाला। ये हाई स्पीड मशीन है दोस्तों, जो कि ये 1200 स्पीड में चलता है। और पुरानी मशीन पहले 650 750 800 तक लास्ट चलता था, ताकि उसमें कम्फर्ट अच्छी तरह से चलता था और धागा कम करता था। और अगर आप 800 से ज़्यादा धागा ज़्यादा स्पीड करते तो ज़्यादा धागा कटता और स्टिच भी ज़्यादा नहीं आता था। तो ये हमारा मशीन है आज के ज़माने का नया मॉडल का, जो कि मेरा नो नीडल का और 27 हेड का मशीन है, जो कि ये हाई स्पीड पे चलती है 1200 स्पीड पे। सोच सकते हैं दोस्तों, कहाँ 650 स्पीड पे चलता था पुराना मशीन और ये कहाँ 1200 स्पीड पे चलता है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी हाई स्पीड मशीन है और कितनी जल्दी और फास्ट काम करके देता है, और कितने जल्दी स्टिच कितना बनता होगा। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा डिजाइन बन रहा है। देख सकते हैं अभी फ़िलहाल सीक्वेंस वाला नीडल चल रहा है, फिलहाल सीक्वेंस चल रहा है, मल्टी धागा तो चल चुका है। तो क्या हुआ अभी देख सकते हैं दोस्तों, इसकी स्पीड ये है 1000 की स्पीड में चल रही है। 1000 की स्पीड में सीक्वेंस को मैं रखा हूँ तो 1000 की स्पीड में चल रहा है। ऐसे इसे हम 1200 की स्पीड में भी चला सकते हैं, लेकिन डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस डिज़ाइन पे ज़्यादा स्पीड पे चलाना है और किस डिज़ाइन पे नहीं। क्योंकि कोई कोई ऐसा डिजाइन होता है जो कि जिसकी वजह से स्पीड में धागा ज़्यादा कटता है, तो हमें 12 घंटा तक एक मशीन चलाना पड़ता है, तो अपने अनुसार से सेटिंग करके चलाना पड़ता है। हम इसलिए इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जितने हमारे एमुंडरी में काम करने वाले कंट्रोल फिलहाल इस वीडियो के कंट्रोल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसका कंप्यूटर, टच वाली कंप्यूटर किस तरह से होता है, वो तो देख ही सकते हैं। ये डिस्प्ले बहुत बड़ा है और पहले के टाइम में जो कंप्यूटर था वो बहुत छोटा था। देख सकते हैं ये फास्टर स्मार्टर बेटर, ये नीडल चेंज करने वाली है। अभी फ़िलहाल नो नीडल पे चल रहा है तो स्मार्ट है, इसमें भी डिस्प्ले लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नो नीडल चल रहा है तो। और ये नो नीडल का मशीन है, देख सकते हैं ये कितनी अच्छी डिजाइन है, पॉइंट टू पॉइंट मिला के चला रहा हूँ। ये देख सकते हैं इसमें धागा किस तरह से लगा हुआ रहता है, ये सीक्वेंस चल रहा है। देख सकते हैं गोल गोल चक्री घूम रहा है, इससे अंदाज़ा चल रहा है कि हमारा सीक्वेंस प्रॉपर चल रहा है। और आपको इसकी लंबाई दिखाता हूँ दोस्तों, इस बगल में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 1000 की स्पीड में RPM में चल रहा है। RPM 1000 मतलब 1000 की स्पीड में चल रहा है। मशीन भी है सीन, ये हमारा लॉक खोलने वाला है, सारा टच से काम करता है, कोई बटन से नहीं काम करने का। सारा तो फंक्शन वही है पुराने मॉडल में जो चला चुके होंगे, बस सेम वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। सिर्फ ये हाई स्पीड मशीन है और सारा फंक्शन सारा सेटिंग वैसा ही है। आप थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई का मशीन चल रहा है, इधर भी मशीन है, इधर भी है, मतलब तीन मशीन है इस खाते में हमारे यहाँ। ये भी मशीन है, बड़ा वाला कंप्यूटर, लेकिन ये टच नहीं है, वो कंप्यूटर वाला मशीन है, बटन से काम होता है इसमें सारा फंक्शन। और ये फिलहाल देख सकते हैं कितनी लंबी मशीन है दोस्तों, दूर से देखने के बाद बहुत लंबी है ये। और पंखा हुआ, बीच में पंखा लगा हुआ रहता है, आराम से आप वहाँ बैठ सकते हैं, खड़ा होकर अपना काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से भाई आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ इस मशीन का। ये देख सकते हैं हमारा वर्क होने के बाद इस बाल्टी में रखना पड़ता है। और ये पीछे का सीन देखिए कंप्यूटर का, अब पीछे देख सकते हैं किस तरह धागा लाइन बाई लाइन लगा हुआ है। आपको पीछे का सीन दिखा रहा हूँ, ये है पीछे का नज़ारा मशीन के बैकग्राउंड, मतलब पीछे बैकअप, इस तरह से पीछे का सीन देखने का नज़ारा मिलता है इस मशीन में। आपको धागा देखना हो तो पीछे से ही देखना पड़ता है कि कितनी धागा ख़त्म होने वाला, कौन सा नीडल का धागा कब ख़त्म होगा, ये सब भी पीछे आके देखोगे तो अच्छी तरह से दिखता है। और आगे से भी देख सकते हो, लेकिन पीछे से अच्छा दिखता है, देख सकते हैं फिलहाल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देख के अगर अच्छा लगा हुआ, आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एमुंडरी मशीन कैसी होती है, जो कि वर्क करता है, काम करता है, कैसे काम करता है,
तो आपको इसलिए मैं ये वीडियो बना के तो आपको दिखा दिए इस तरह से हाई स्पीड मशीन होती है टच वाली मशीन।